ये हाथ में रख लो। यस प्लीज बोलो। आज 59 डेज 55 डेज हो गए हैं विलीनीकरण का, कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है एसटी कर्मचारियों की, जो मतलब मैं बोलती हूँ एक इंसानियत के नाते सरकार को या तो उनके मंत्रिमंडल में से किसी को, अनिल परब जी को, इंसानियत के नाते मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ कि ठीक है विलीनीकरण मुद्दा है, पर एक इंसानियत के नाते आपको एक बार यहाँ आना चाहिए था। और ये जो पूरा आज़ाद मैदान भरा हुआ है आज आरोग्य सेविकाओं से भरा हुआ है, आरोग्य सेविकाएं बैठे हैं, अभी इमिक्रोन आ रहा है तो ये लोग किसको मांगने जाएंगे? और यदि आज उन लोग के साथ न्याय नहीं होगा, एसटी कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होगा, शिक्षक के साथ न्याय नहीं होगा, तो ये लोग किसको वो करेंगे? ये सिर्फ कोरोना के नाम पे सबको मारते ही रहेंगे। आज आप बताइए 6 महीनों में कोरोना भी इतना स्मार्ट हो गया, हर दिसंबर में आ जाता है फिर चला जाता है। अभी आप देखिए कोरोना आ चुका है पर वो अपनी चाल देख के आएगा, कोरोना जो है उसकी चाल है एक। यदि अभी कल चुनाव आयोग ने बोला है, अभी इन लोगों ने बोला था कि 6 महीने चुनाव हम ढके लेंगे, पर यदि अभी चुनाव आयोग ने कल बोला है कि आपको फरवरी में चुनाव लेना है, तो अब जो कोरोना है आप देखिएगा खुद ही उसकी रफ्तार ढीली हो जाएगी, कोरोना की रफ्तार जो है वो अब ढीली हो जाएगी। तो ये सब जो स्ट्रेटेजिकल है पूरा, ये बहुत दुर्दैव है और बहुत घटिया तरीके की राजनीति है। मैं सरकार से यही बोलूंगी कि थोड़ा इंसानियत के नाते, क्योंकि सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं है, आप लोग हट जाइए, ये जनता को बिठा दीजिए, ये एसटी कर्मचारी, ये सॉरी आजाद मैदान में जितने लोग बैठे हैं उनमें से आप एक एक को आप बिठा दीजिए वहाँ, आपके मंत्रिमंडल को हटा के पूरा हमारा राज्य सुधर जाएगा, ये मेरा मानना है। और आज इतने दुर्देव की राजनीति ये लोग कर रहे हैं कि अरे आप, इससे तो हमारे मीडियाकर्मी भाई अच्छे हैं बेचारे, कम से कम दिखा तो रहे, आज ये लोग भी नहीं हो तो कहाँ जाएगी ये जनता? और किसी को कोई पड़ी ही नहीं है, मेन बात है किसी के दुख समझने की। आज एक जानवर को भी कुछ रोड पे हो जाता है तो हमें दुख होता है, तो क्या हम लोग जानवर से बदतर है? या हमारी महाराष्ट्र की जनता जो है वो क्या जानवर के लायक भी नहीं है? इस तरीके का व्यवहार हमारी सरकार या हमारी जो तिगाड़ी सरकार है वो हमारे लोगों के साथ कर रही है। ये मंत्री लोग क्या हो जाता है आपको मंत्री बनने के बाद, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या सांप सूंघ जाता है कि जो लोगों के दुख देखना ही बंद हो जाते हैं? मेरे हस्बैंड भी इसके पहले अभी घर में आके रोते थे कई बार कि नहीं इतना दुख है, ये है वो है, इसके लिए ये करना होगा। अभी क्या हो गया आपको, क्या कौन सा सांप सूंघ गया? अरे कोई तो आए ऐसा एक मंत्री निकल के जो अलग हटके एक बार आके यहाँ इनको नमस्कार ही कर जाए, मेरा वो मानना है। करुणा ताई 55 दिले पण अजूनही तोडगा नाही आहे, यांना निर्बंध पण लादण्यात आले आहेत, सायंकाळी 5 ते 5:30 इथं बसू देत नाहीत, त्यामुळे दुरावस्था पण होते यांची, बहुत दुर्व्यवस्था है, दुर्व्यवहार के कारण दुर्व्यवस्था भी हो रही है, जिसका मुझे बहुत दुख है। महिलाओं से मैं यही निवेदन करूंगी कि 20 लोगों की सोए जो है माझा घरी आए, तो आप लोग मेरे घर में महिलाएं आ सकती हैं, जेंट्स लोगों को तो मैं अपने घर में नहीं रख सकती, उसके लिए क्षमा चाहूंगी, और महिलाएं मेरे घर में 20 आ सकती हैं। और मैं बोलती हूँ ये सिर्फ मैंने आपको बताया कोरोना की चाल घटती बढ़ती रहेगी, बट हमें ठामपने से लगे रहना है, हम लगे रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सदावर्ते जी हैं साथ में, सदावर्ते जी ने भी बहुत अच्छा पार्ट निभाया और मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा वकील है हमारे भाइयों के साथ, तो जीत होके रहेगी और उन्होंने भी व्यवस्था करवाई है इन लोगों के रहने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो एसटी कर्मचारी हैं, जैसे मैंने बताया कि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है, तो जब ये इतनी जनता मिलके इन 3 सत्ताओं को बिठा सकती है तो वो उतार भी देगी, और ये लोग जब बिठा सकते हैं उन लोगों को आज इतने बड़े बड़े नेता मंत्री बना सकते हैं, तो मैं ये मानती हूँ ये लोग अपने हक के लिए तो उतरेंगे नहीं, चाहे वो 5 बजे तक परमिशन दे कि 10 बजे तक परमिशन दे। अभी चुनाव आ रहे हैं तो आप देखेंगे इन लोगों को तो हटा रहे हैं, क्योंकि उन लोग को ऐसा लगता है कि ये लोग भग जाएंगे परेशान होके, क्योंकि जब कुछ नहीं चलता तो दबाव और प्रेशर और पुलिस को ही आगे करके ये लोग काम करवाते हैं। और आज आप देखेंगे इन लोगों के लिए नियम रहेगा, पर आप यदि अभी चुनाव चालू होने वाले हैं तो मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए कोई नियम नहीं रहेगा। उत्सव चालू है अभी शिवसेना का, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ देखी गई है, लेकिन इन लोगों को शाम के 5 बजे से पैठे 5 बजे तक रोका जाता है यहाँ पर। जी जी वही मैं बोलने जा रही थी कि अभी जो चुनाव चालू हो गए हैं मालवनी का, जो आप बता रहे हैं शिवसेना का, वहाँ पे मेलावा चालू है, तो उन लोगों के लिए कोई नियम नहीं है, वो उन लोगों के लिए कोई नियम बद्धता नहीं है, क्योंकि वो लोग मंत्री है ना, उन लोगों की जबरदस्ती जनता पे चल सकती है, हम लोगों पे आराम से चल सकती है, इसलिए भुगतने के लिए तो ये बैठे हैं ये लोग, भुगतने के लिए, क्योंकि उनको वोट देके जिताया है बनाया है तो भुगतेंगे, अभी भुगतेंगे तो अभी नेक्स्ट टाइम में उन लोगों को बताएंगे। नियम सिर्फ जनता के लिए, नेताओं के लिए कोई नहीं। अभी चुनाव आएंगे तो आप देखिए हजारों हजारों लाखों लाखों की सभाएं होंगी,
उसमें कोई नियम नहीं रहेगा। करुणा जी, परली में आपने नया पक्ष स्थापन करने की घोषणा की है, कैसा रहेगा स्ट्रेटजी बताइए। परली में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मैंने नया पक्ष स्थापना करने की घोषणा की है। जैसे कि मैंने देखा मेरे भाइयों पे, महाराष्ट्र के भाइयों पे इतना अत्याचार हो रहा है कि आज जानवरों से भी ज्यादा बदतर हालत आज लोगों की है। सरकार, ये जो जितने भी सत्ताधारी हैं, मैं अपोजिशन को भी लूंगी उसमें, क्योंकि अपोजिशन लीडर मेरे पति रहे हैं और अपोजिशन लीडर की कितनी ताकत होती है, नेक्स्ट टू सीएम पोस्ट होती है। और आज अपोजिशन लीडर हमारे फडणवीस जी भी चाहें तो यहाँ पे आके एक हाथ जोड़ के इन लोगों से नम्र विनंती करके जा सकते थे। या अपोजिशन लीडर अभी जैसे मुद्दे आप देखिए, जो विधान भवन रहता है उसमें ये लोग मुद्दे उठाते हैं, पर क्या आपको ऐसा लगता है, जनता को भी मालूम है, आज जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है, विधान भवन में यदि चाहे तो विधान भवन एक छोटी कोर्ट होती है, अपने आप में एक कोर्ट होती है, वहां पे ही न्याय हो सकता है। पर सिर्फ दिखावे के लिए बातें होती हैं, बाकी कोई चीज नहीं होती। तो ये जो सारी जो पार्टियां हैं, इनका सबका रूप देख लिया है लोगों ने अभी इस वजह से, और मैंने भी देखा है अपने घर में, 25 साल से राजकारण देख रही हूं, इस कारण से मैंने एक पक्ष स्थापन किया है शिवशक्ति सेना नाम का, जिसमें मैं गरीब लोगों को आगे बढ़ाऊंगी। जो नेताओं के कार्यकर्ता, जिनके जिन कार्यकर्ताओं के पिताजी झंडा लेके भागे, अब वो झंडा लेके भाग रहे हैं, फिर उनके बच्चे झंडा लेके ना भागे, उसके लिए ये जो घरानेशाही की राजनीति है, घरानेशाही में क्या होता है कि बेटा, जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ, मैं मंत्री बन गई, मेरा बेटा है, अब वो काबिल है कि नहीं है, मैं उसको आगे करूंगी, कार्यकर्ता आगे बढ़ा देगा, ये मूर्खता से मैं लोगों को निकालना चाहती हूँ। ये कार्यकर्ता की मूर्खता है, मैं ये भी बोलूंगी, मैं थोड़ा खरा बोलती हूँ पर सच बोलती हूँ। करुणा धनंजय मुंडे वर्सेस धनंजय मुंडे फाइट देखने को मिलेगी 100% महाराष्ट्र के 2024 में। सिर्फ 2024 में, वैसे तो मैंने नारा चेंज किया हुआ है, कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, करुणा धनंजय मुंडे उनके साथ है। चुनाव लड़ने का मेरा अभी तक कोई मैंने ऐसा टारगेट नहीं करा है, पर हाँ, यदि मेरे लोग चाहेंगे, मेरी टीम चाहेगी कि ताई, जैसे सब लोग, मेरी टीम मुझे बोलती है कि आप परली से लड़ोगी, तो मैं 110% पूरे भारत में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पे 2024 में एक ही नाम गूंजेगा, धनंजय मुंडे वर्सेस करुणा धनंजय मुंडे। 55 दिवस झाले आंदोलन सुरू आहे, खरं आहे, 55 दिवस झाले या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे, 55 दिवस झाले आंदोलन सुरू आहे। आम्हाला शासनानं काही निर्बंध या आणि अटी या ठिकाणी लागू केल्या, त्या अटी मी आपल्या समोर सांगू इच्छितो। पहाटे 5 ते सायंकाळी 5 पर्यंत आझाद मैदानावर थांबण्याची मुभा दिलेली आहे, संध्याकाळी 5 नंतर या आझाद मैदानावरती थांबायचं नाही असं सांगितलेलं आहे। मी आपल्या या माध्यमातून या शासनाला सवाल विचारू इच्छितो। 95,000 कर्मचाऱ्यांच्या मनातला हा सवाल आहे की जर दिवसा या ठिकाणी आझाद मैदानावरती बसल्यानंतर ओमिक्रॉनचा फैलाव होत नाही, मग सायंकाळी 5 नंतर झोपी गेल्यानंतर ओमिक्रॉनचा फैलाव कसा होतोय असा प्रश्न आमच्या या अखंड महाराष्ट्रातल्या 95,000 कर्मचाऱ्यांना पडलेला आहे। याच्यानंतर सांगू इच्छितो, आझाद मैदान ढीगभर मोठा आहे, यामध्ये आमचे काही बांधव फक्त 50 आणि 100 बांधव या ठिकाणी राहतात, परंतु जर बाहेरच्या सर्वसामान्य रस्त्यावर बघितला, VT स्टेशनला बघितला, शिवाजी टर्मिनलला बघितला, रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या बघितला, तर ढीगभर संख्या दिसल त्या ठिकाणी ओमिक्रॉनचा किंवा कुठल्याही गोष्टीचा फैलाव होत नाही, ही गोष्ट आमच्यासाठी खरोखर निंदनीय आहे आणि चुकीची आहे असं आम्हाला वाटते की आम्हाला या आझाद मैदानावरून हटवण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे काय असाही प्रश्न आमच्या मनामध्ये निर्माण होतोय। आम्हाला या आझाद मैदानावरून हटवून आमची जी लढाई आहे किंवा आमचा दुखवट आहे हा मोडण्याचा प्रयत्न सरकार करतंय काय असाही प्रश्न आमच्या या 95,000 कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे। म्हणून आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो सरकारला, पण आम्हाला तुम्ही इथून हटवला, या आझाद मैदानावरून बंद केला, तरी पण आम्ही ज्या ज्या आगारामध्ये जाऊ त्या त्या आगारामध्ये आझाद मैदान तयार करू आणि ते आमचं आझाद मैदान असेल, आणि ही लढाई आझाद मैदानावर नसून प्रत्येक आगाराच्या दारात आझाद मैदान तयार करून लढाई लढण्याचा आणि जिंकेपर्यंत लढण्याचा निश्चय हा प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या मनानं घेतलेला आहे, स्वतःच्या इच्छेनं ठरवलेला आहे, त्याच्यामुळं याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची बाधा सरकार आणू शकत नाही हे तुम्हाला या ठिकाणी सांगू शकतो। कामगार एकजुटीचा येसो येसो, कामगार एकजुटीचा येसो येसो। राज्य शासनात विलीन